खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। या इकबाल की लिखी शायरी। ब्राज़ील के डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल की 13 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव पर सटीक बैठती है। गोल्ड मेडल पाने के बाद तो आदित्य यादव को कई जगहों पर सम्मानित किया गया, जिसकी वह हकदार भी है। और इस बालिका के संघर्षों की जीवन की डगर और वह अपने घर से जिस सड़क पर चलकर अपनी जिंदगी की जद्दोजहद से जूझते हुए गोल्ड मेडलिस्ट हुई, उसकी एक वानगी एक बयान गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा दिया गया है कि आदित्य यादव के घर तक का जाने वाला रोड काफी जर्जर हालत में है और उसको लगभग 50 लाख रुपए की लागत से जल्द ही दुरुस्त करवा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने भी आदित्य यादव को लेकर कई घोषणाएं की हैं। इसके लिए आदित्य यादव के जज्बे को सलाम है। विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता की नई ऊंचाइयों को तय करके कईयों के लिए आदित्य प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी। तभी तो यह बात आदित्य पर सटीक बैठती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जीडीए के द्वारा गोल्डन गर्ल आदित्य यादव के घर तक सड़क बनाया जाएगा, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि गोरखपुर शहर की बेटी ने ब्राज़ील में आयोजित डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदित्य से मिलकर बधाई दिया और निर्देश दिया था कि आदित्य के अन्य समस्याओं को देख लिया जाए, जिसको देखते हुए जीडीए की टीम आदित्य यादव के घर गई थी। उनके मोहल्ले की जो सड़क है वह काफी जर्जर है, जिसको देखते हुए निर्णय लिया गया कि जीडीए के द्वारा आदित्य के घर तक सड़क बनाया जाएगा, जिसके लिए जीडीए की टीम लग गई है और मेजरमेंट बनाने का काम कर रही है, जिसके लिए 50 लाख का बजट रखा गया है। जैसे ही मेजरमेंट के साथ डीपीआर तैयार हो जाएगा, बैठक करके अप्रूव कराकर एक महीने में काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए मंडलायुक्त ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे शहर की जो बेटी है आदित्य यादव, उन्होंने बैडमिंटन में पूरे विश्व में स्वर्ण पदक जीता और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सहारा भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि इनके अन्य समस्याओं को भी देख लिया जाए। तो उस संदर्भ में जीडीए की टीम वहाँ पर गई थी, इनके घर के पास गई थी, तो इनके मोहल्ले की जो सड़कें थी वो काफ़ी जर्जर हालत में पाई गई थी, तो उसमें ये निर्णय हुआ था कि इसको सड़क को गोरखपुर विकास प्राधिकरण बनाएगा, तो उसी के लिए पूरी टीम हमारी वहाँ लगी है, पूरा उसका मेजरमेंट वगैरह का काम चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने 50 लाख का बजट भी रखा हुआ है, तो जैसे ही पूरा मेजरमेंट हो जाएगा, डीपीआर तैयार हो जाएगा, आयुक्त महोदय ने इसको ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, तो हम लोग जल्दी से मीटिंग करा के अप्रूव करा के इसमें उम्मीद है कि एक महीने में काम शुरू करा देंगे।